अमोनिया गैस से भरा टैंकर पलटा, दो महिलाओं की हालत बिगड़ी। गोवा में वास्को शहर को पणजी से जोड़ने वाले राजमार्ग पर अमोनिया गैस ले जा रहे एक टैंकर के पलट जाने के बाद आज समीपवर्ती चिकालिम गांव को खाली कराया गया और कम से कम दो महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया। टैंकर वास्को शहर में स्थित मोमार गांव पोर्ट ट्रस्ट के शहर में स्थित जुआरी औद्योगिक लिमिटेड तक अमोनिया गैस ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में तड़के करीब 3:45 बजे यह राजमार्ग पर पलट गया और गैस रिसाव शुरू हो गया। डिप्टी कलेक्टर महादेव ओरेंदेकर ने बताया, तुरंत आपदा प्रतिक्रिया बल को घटनास्थल पर भेजा गया है और पुलिस दमकल विभाग तथा आपद सेवा कर्मियों से कहा गया है कि लोगों को जगाकर समूचे इलाके को खाली कराया जाए। जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सांस लेने में दिक्कत की शिकायत के बाद दो महिलाओं को नजदीक के अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उन्होंने बताया कि वे अपने घर में सो रही थी जो घटना स्थल के करीब है। वास्को पुलिस निरीक्षक नोलस को रपोसो ने बताया कि गैस रिसाव की सूचना मिलने के बाद उन्होंने जुआरी औद्योगिक कारखाने के सुरक्षा अधिकारी से संपर्क किया है। उन्होंने बताया कि स्थिति से निपटने के लिए एक बचाव दल को घटनास्थल पर भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समय 24।